30 नंबर का प्रश्न चलेगा। इस प्रश्न में कहता है तांबे की एक पाइप की भीतरी और आंतरिक व्यास दिया गया। भीतरी त्रिज्या है, तांबे का एक पाइप है जिसका भीतरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्याएं हैं 5 सेंटीमीटर। इस पाइप को पिघला कर बेलन बनाया जाता है जिसका ऊंचाई दोनों का ऊंचाई क्या है सेम है। इसको हम पहले चित्र से समझ लेते हैं। शांत रहे लड़की, यह देखो इसमें कहता है ये है इस तरह का आकृति बना हुआ है। ठीक है ना, समझना है सिर्फ हिसाब को। इसमें कहता है आंतरिक त्रिज्या यानी ये अंदर वाला भाग का त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और यहां से बाहर वाला है 5 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या है 3। ये चित्र में दिख रहा नीचे बनाएंगे साइड में बनाएंगे साइड में देखेंगे यहां दिख रहा है सब दिख इस तरह से खोखला है। ठीक है, पाइप जो है खोखला है, इसका अंदर का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और यहां से बाहर का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, यानी इस तरह से इसके आधार का यदि हम चित्र लें तो इस तरह का बनेगा। ये अंदर वाला भाग है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से पूरा भाग क्या है 5 सेंटीमीटर। हमको सिर्फ ये बीच वाला भाग जो है पाइप उसका जो है आयतन निकालना है। हम क्या करेंगे, ये पूरे ये जो है इस भाग का निकाल कर उसमें से इस भाग को क्या करेंगे हटा देंगे, खोखले बेलन का इसमें लगेगा। ठीक है, और इससे उसके बाद जो बनता है बेलन वो ठोस बेलन बनाया जाता है इस तरह का। फिर तब जो बनता है वो बेलन ठोस बेलन है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस बेलन में जितना पदार्थ लगा है उसका आयतन निकाल देंगे और इसका आयतन के क्या कर देंगे बराबर। लेकिन एक चीज लेंगे, इसका ऊंचाई h मानेंगे तो इसका भी ऊंचाई क्या करना है h मान लेना, क्योंकि दोनों का ऊंचाई सेम है तो इसका त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, अब लिखते हैं नीचे से लिखा जाए क्या। देखो पाइप की भीतरी त्रिज्या छोटी आर ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ये दिख रहा है। उसके बाद जो है तथा बाहरी त्रिज्या इसका इसको बड़ी आर ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पाइप से बने बेलन, पाइप से बने बेलन का जो है इसको लिखते हैं, क्योंकि पाइप को पिघला कर बेलन बनता, बेलन बनाता है, यानी पाइप को पिघलाया गया और क्या बनाया गया बेलन। तो बेलन का मान लेते हैं, माना कि बेलन की त्रिज्या, ये त्रिज्या हमको निकालना 8 सेंटीमीटर तथा इस पाइप का ऊंचाई नहीं दिया गया और बेलन का भी ऊंचाई नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन में कहता है दोनों का ऊंचाई क्या है बराबर है तो इसको भी हम मान लेते हैं। तथा बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा पाइप की ऊंचाई, दोनों ऊंचाई सेम है तो दोनों को हम एच मान लेते हैं। ठीक है ना, अब देखो हम क्या किए, पाइप का भीतरी त्रिज्या 3 ले लिए, बाहरी त्रिज्या 5 ले लिए,
और पाइप को पिघलाकर बेलन बनाएंगे, तो बेलन के त्रिज्या आर ले लिए, ये हमें निकालना है। और बेलन की ऊंचाई और पाइप की ऊंचाई दोनों कह दिया बराबर है, तो हम क्या किए एच मान लिए दोनों का ऊंचाई। अब प्रश्न से चलना है, प्रश्न से हो जाएगा बेलन का, जो बेलन बनाएंगे बेलन का आयतन अब बराबर हो जाएगा पाइप का आयतन। तो बेलन का आयतन सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, और ये पाइप है, पाइप है अर्थात खोखले बेलन है, तो इसका सूत्र लगेगा पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ये खोखला बेलन है। इसका सूत्र हम लिखा चुके हैं, पाइप जैसे ही आएगा यानी जब भी भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या दिया रहेगा तब ये सूत्र लगेगा, ठीक है, जब एगो त्रिज्या रहेगा तो, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में ऊंचाई का रहा है बराबर है, ऊंचाई दोनों सेम है इसीलिए हम ये ऊंचाई को काट सकते हैं, ऊंचाई अगर सेम नहीं रहता तो फिर हम नहीं काटते क्या। हाँ, उसके बाद जो है इसमें हम मान को रखते हैं, तो बच रहा है उधर आर स्क्वायर बराबर बड़ी आर का होल स्क्वायर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर, ठीक है, या फिर आर स्क्वायर इजकल टू यहां पर जो है बड़ा आर कितना है पांच, पांच का स्क्वायर माइनस छोटी आर है तीन, तीन का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा क्या हो जाएगा रूट अंडर, आर बराबर रूट अंडर, इसको करेंगे पचे, पांच को पांच से गुना करेंगे पच्चीस, तीन को तीन से करेंगे तीन तिया नौ, तो आ जाएगा आर का मान रूट अंडर पच्चीस में से नौ घटेगा तो सोलह आएगा, चार गुना चार, दो चार में से एक चार क्या हो जाएगा बाहर, इसीलिए बेलन की त्रिज्या आर इजकल टू हो जाएगा चार सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरह से जो है बेलन पाइप को पिघलाकर जो बेलन बनेगा उसका त्रिज्या कितना होगा चार सेंटीमीटर, और जब पाइप और बेलन की ऊंचाई सेम होगा, ठीक है। तो ये था तीस नंबर का प्रश्न।